नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसको शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए और किस प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त करना पसंद करता है। इसमें हम लोग जो एक मनुष्य होते हैं उसका जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ही, खास करके जो बीएड किए हुए हैं या कर रहे हैं और अध्यापक बनने की सोच रहे हैं भविष्य में, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर आप गृहिणी हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अगर तैयारी नहीं भी करते, कम भी पढ़े लिखे हैं, तब भी आपको बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये आना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग आनी चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा देखिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान लहजे में समझाऊंगा, समझ जाएंगे आप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकास एवं वृद्धि क्या होता है, विकास एवं वृद्धि में अंतर क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे का खूब विकास हो रहा है, बच्चा हमारा खूब वृद्धि कर रहा है, तो ये क्या होता है? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम आते हैं कि बच्चे की अवस्थाएं कैसे होती हैं और किस अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त करेगा। तो मैं बीच से एक लाइन खींच देता हूँ समझाने के लिए आपको। एक तरफ विकास के बारे में बताऊँगा और एक तरफ वृद्धि के बारे में बताऊँगा। अगर मैं एक गोला बना दूँ और इस गोले के अंदर एक छोटा सा गोला बना दूँ, तो ये बड़ा वाला गोला और ये छोटा वाला गोला, इसका मतलब ये होता है कि छोटा वाला गोला बड़े वाले में समाहित है। ये जो बड़ा वाला है इसका नाम हम रख सकते हैं विकास, और ये जो छोटा वाला है वो विकास के अंदर है, इसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि। इसका मतलब वृद्धि और विकास एक तरह से दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन विकास व्यापक शब्द है और वृद्धि उससे थोड़ा सा छोटा। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो अपने माँ के गर्भ में आता है। गर्भ में 9 महीने तक उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। 9 महीने के बाद जब वो इस दुनिया में आता है तब भी उसकी विकास एवं वृद्धि होती रहती है। एक समय के बाद जब वह परिपक्व हो जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। हम लोग प्रायः बोलते हैं ना कि अब हमारा बच्चा बढ़ना बंद कर दिया है, यानी अब वो जितना लंबा होना था वो हो गया, उससे अधिक वो लंबा अब नहीं होगा, उससे अधिक वो अब नहीं देख पाएगा। जितना उसकी दृष्टि आ गई वो ठीक है, जितनी उसकी IQ लेवल हो गया वो ठीक है, यानी वृद्धि एक समय के बाद जा कर के रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता। विकास क्या है? विकास जैसे हम मनुष्य बढ़ते हैं तो हमारी शिक्षाएं भी बढ़ती हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारी समझदारी भी बढ़ती है, हमारी उपलब्धियाँ बढ़ती हैं, तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास जो है वो हमेशा गतिमान होता है, कभी नहीं रुकता। जन्म के पूर्व से लेकर के जन्म के बाद और मृत्यु तक विकास जारी रहता है, जबकि वृद्धि रुक जाती है एक सीमा के बाद, यानी एक सीमा तक होती है उसके बाद रुक जाती है। जो विकास होता है हम उसको नाप सकते हैं, यानी उसकी मात्रा मात्रात्मक तो होता ही है, मात्रात्मक और व्यवहारिक भी होता है। व्यवहारिक इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो विकास हो रहा है हम उसको नाप भी सकते हैं कि कितना हम विकसित हुए, और व्यवहारिक भी होता है यानी हम उसको नहीं भी नाप सकते। लेकिन जो वृद्धि होती है वो केवल और केवल मात्रात्मक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी लंबाई बढ़ी तो हम उसको नाप सकते हैं, बच्चे की लंबाई नाप सकते हैं, कितना लंबा हो गया, कितना मोटा हो गया, कितना उसका वजन हो गया, है ना, नापा जा सकता है। लेकिन अब उसके शरीर में कितनी ताकत है इसको कैसे नापेंगे? हालांकि इसको भी नापने के फार्मूले हैं, लेकिन वो एकदम 100% सही उसे नहीं नापा जा सकता ना, कि व्यक्ति के अंदर कितना ताकत है या व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है, व्यक्ति कितना ज्ञानवान हो गया है, व्यक्ति कितना समझदार हो गया है, व्यक्ति के अंदर कितना इमोशन है, कितना प्रेम है, कितनी घृणा है, इसको नहीं नापा जा सकता।
तो जिसको नहीं नापा जा सकता और सकारात्मक परिणाम देता है वो विकास है। तो विकास मनुष्य के जीवन पर्यंत चलता है, चाहे वह पढ़ाई बंद कर दे, चाहे चालू रखे, बुढ़ा हो जाए, मृत्यु पर्यंत चलता है। अब इसमें जो हमारी आती है शिक्षा, वो शिक्षा किस में आएगी? शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अब हम देखते हैं कि जो मानव की विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको हम कैसे देखते हैं, तो इसको हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। जो पहली अवस्था है उसका हमने नाम रखा है, हमने क्या मनोविज्ञान की भाषा में उसका मनोवैज्ञानिकों ने नाम रखा है शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी शैशव अवस्था, शैशव धन अवस्था। ये कब से कब तक होती है? तो ये होती है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो 6 साल का हो जाता है उसकी अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये जो होती है बाल्यावस्था, ये होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। फिर तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, यानी किशोर की अवस्था, किशोरावस्था। ये होती है आपकी 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है युवावस्था, इसको हम कहते हैं, और ये होती है 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, 18 वर्ष के बाद जो बुढ़ा हो गया व्यक्ति वो भी युवा है? तो नहीं, इसको भी कई भागों में बाद में बांटा गया। जैसे युवावस्था को फिर बाद में हम बांटेंगे आगे, युवावस्था तो है ही, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है कि व्यक्ति एकदम परिपक्व हो गया है, खासकर ये उम्र हम निर्धारित कर सकते हैं लगभग 25-30 साल से लेकर के 50 साल के आसपास की उम्र को प्रौढ़ावस्था। फिर उसके बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो वो अलग बात है। हम सीखने के क्रम में बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो हम जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक का अध्ययन करेंगे कि इनके बीच में हमें बच्चों की परवरिश करनी है तो कैसे कैसे, इसलिए हमने इसको 4 भागों में बांटा। अब इसमें जो हमारा पहला है जिसका नाम है शैशवावस्था, इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में। इसकी क्या विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, आगे क्या हमने लिखा है, हाँ शिक्षा का स्वरूप। तो शैशवावस्था, शैशवावस्था को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। शैशवावस्था को भी एक को कह सकते हैं जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक, और एक दूसरा भाग है जिसको कह सकते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। 2 भागों में इसलिए बांट दिया गया क्योंकि अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि जन्म से 3 वर्ष तक जो बच्चा होता है अलग ढंग से वो एक्टिविटी करता है, और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बाद उसकी एक्टिविटी में बड़ा बदलाव आ जाता है। है तो वो शैशवावस्था का ही, लेकिन बदलाव होने के कारण इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए शैशवावस्था में जो 2 अवस्थाएँ हो गई ना, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, इसमें आप ध्यान दीजिए कि शुरुआत में जन्म से 3 वर्ष तक जो बालक होता है यानी बच्चा जो होता है उसकी शारीरिक वृद्धि बड़ी तेज होती है। शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होगी, इतनी वृद्धि तेज और वो किसी अवस्था में प्राप्त नहीं करेगा जन्म से 3 वर्ष तक। अब इसके शारीरिक वृद्धि में उसकी लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी, उसके आंतरिक अंग विकसित होंगे। 3 वर्ष तक का जो बालक होता है उसके लगभग सभी अंग काम करने लगते हैं, हर तरह से वो मतलब उसके अंग सारे काम करने लगते हैं। 3 वर्ष के बाद जो उसकी शारीरिक वृद्धि है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, बढ़ती रहती है लेकिन उतनी तेज नहीं बढ़ती, धीमी हो जाती है, यानी कि जो अंग बढ़ गए हैं अब उसमें परिपक्वता आती है जिसे हम ठोसाईपन कहते हैं, लेकिन जो वृद्धि है वो चलती रहती है, विकास तो चल ही रहा है क्योंकि वृद्धि ही विकास है। अब 3 वर्ष से 6 वर्ष, अब हम समझ गए कि 3 वर्ष से 6 वर्ष और 0 से 3 वर्ष तक। अब इसमें जो शैशवावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है ये कैसे होना चाहिए, कैसे हमें बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ये आपको देखना है, समझना है। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं विशेषताएँ
कि इसकी विशेषताएं क्या होती है शैशवावस्था की, तब तो हम जानेंगे ना कि बच्चे मतलब विशेषता का मतलब कि बच्चा हमारा क्या क्या चाहता है वो हम जान जाएंगे, तब हम उसके अनुसार उसको दे पाएंगे। देखिए जो एक 6 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होता है ना, उसको हम कह सकते हैं अनैतिक। ध्यान से समझिएगा, जीवन का मात्र यही एक स्टेज है जिसमें मनुष्य को नैतिक क्या है अनैतिक क्या है नहीं पता होता, उसके बाद उसे पता होता है। इस उम्र के बच्चों को जो भी हम बताएंगे वही करते हैं, ये मतलब देखकर सीखना बहुत पसंद करते हैं, खेल के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। इनको कुछ भी मतलब हर वो काम करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा, जो इनको अच्छा नहीं लगेगा वो ये काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन काम नैतिक है यानी कि पूर्ण है और कौन काम अनैतिक है यानी कि पूर्ण नहीं है। इसलिए इनमें नैतिकता का पूर्णतः अभाव होता है, ये अनैतिक होते हैं। अगर ऐसे में हम इनको बहुत संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनको सिखाते हैं कि इनका पाँव छुओ, इनके नमस्कार करो, ये मत खाओ वो मत खाओ, किसी को देख करके शर्मा जाओ, ये है वो, ये जितना कुछ भी हम सिखाते हैं और वो सीख जाते हैं और ऐसा करने लगते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा संस्कारी हो गया है, छोटी ही उम्र में वो बड़ा बन गया है। तो ऐसा नहीं होता, उनको कुछ भी वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनमें नैतिकता अनैतिकता है ही नहीं। अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो वो एक रोबोट की तरह हैं, एक बंदर की तरह हैं। अगर वो आज ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर वो ऐसा ही करेंगे, इसलिए बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को मार कर डांट कर पीट कर संस्कारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके आप उनके अंदर की जो निहित है, जो उनके अंदर जो बीज है, जो बड़ा होकर के एक मतलब आगे चलकर के विशाल वृक्ष बनेगा, आप उस पर अंकुश लगा देंगे। ठीक, तो बच्चे को बच्चे ही रहने दीजिए, बच्चे की उम्र है खेलने की, मौज मस्ती करने की, रोने की, उसको वैसा ही रहने दें, उसको बहुत संस्कारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा जो होता है वो पूर्णता है एक तरह से अनैतिक होता है। अब इसमें अगर हम उसकी जो स्वरूप है इसका, तो अगर हम उसके शारीरिक बात करें तो हमने आपको अभी बताया ही है कि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती है ना, बड़ी तेज़ी से। मानसिक अगर बात करेंगे तो बहुत तेज़ी से वो बच्चा सीखता है, मानसिक क्रिया बहुत तेज होती है। गेसल नाम का एक विद्वान हुआ है, गेसल, उसने बताया है, एक मनोवैज्ञानिक है, उसने बताया है कि 6 साल का बच्चा जितना सीख लेता है उतना अगले 12 वर्ष का बच्चा उसका आधा भी नहीं सीखता। यानी शुरुआत का 0 से 6 वर्ष तक जितना कोई भी व्यक्ति सीख लेता है, फिर उसके बाद वो अपने अपने जीवन काल में उतना कभी नहीं सीखता। यानी कि सीखने की क्षमता उनकी बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है वो लगभग 5 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें जो बच्चा है वो सबको पहचानने लगता है, उसमें दया की भावना भी धीरे धीरे आने लगती है, और वो अपने जो उसके ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे उसके घर में उसके भाई हैं, बहन हैं, छोटे बच्चे, पड़ोस में उसको कोई मिलता है तो उसकी वो मदद भी करता है, साथ में ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ खेलता भी है। तो यानी कि अपने सामान की वो शेयरिंग करने लगता है, एक तरह से ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और जब भी वो, अगर उसकी शिक्षा की बात करें तो उसको शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, शिशु जो होता है वो 0 से 6 वर्ष के बीच वाला शिशु, उसको एकदम शांति पसंद है, शांत वातावरण, शांत वातावरण होना चाहिए, बहुत तेज डीजे शोर शराबा ये नहीं होना चाहिए, और सुरक्षित होना चाहिए स्थान, अगर स्कूल है तो स्कूल, घर है तो घर, शांत हो, सुरक्षित हो और स्वस्थ हो, तीनों हो। और ध्यान रखिएगा, बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, खेल, जिस चीज़ में खेल नहीं जुड़ा होगा उस चीज़ को बच्चा नहीं करना चाहेगा। ठीक, तो बच्चे को खेलना ही पसंद है, इसलिए जो कुछ भी सिखाइए उसको अच्छा लगे, यानी खेल के माध्यम से ही सिखाइए, उसको डांटिए मत, मारिए मत। एक वैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजी भी मतलब साइकोलॉजिस्ट भी थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षा शास्त्री, उनका नाम है रूसो, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षा शास्त्र में उनका बड़ा रोल है, रूसो। इनकी शिक्षा को नकारात्मक शिक्षा कहा जाता है।
इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में रूस पूरी दुनिया में जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम बेकार है, प्रकृति के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि ये नकारात्मक शिक्षा व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर मनुष्यत्व का सारा गुण पहले से ही समाहित होता है, उसे विकसित होने दिया जाना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। जैसे एक विशाल वृक्ष का बीज होता है छोटा सा, वो बड़ा मतलब आगे चल करके क्या होगा, वो बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। इसका मतलब जितने भी उसके विशालता के गुण हैं, शक्ति है, ताकत है, औषधि वाला चीज़ है, वो सब कुछ उस बीज में पहले से ही निहित था। अब उसको सही मिट्टी मिली, सही हवा मिली, पानी मिला, वातावरण मिला, उसकी परवरिश की गई, विशाल वृक्ष बन गया, है ना। यानी उसको विकसित होने दिया गया। लेकिन हम मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, जब वो पैदा होता है तब से लेकर के हम अपनी मान्यताओं को थोपने लगते हैं, हम उसको पढ़ाने लगते हैं, हम उसको मार के, डांट के, डरा के, धमका के सिखाने की कोशिश करते हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं जानने की कोशिश करते कि वो क्या चाहता है, उसके अंदर कौन सी औषधि है जो आगे निकलेगी, कौन सा गुण है। हम उसकी प्रतिभा को जो उसके अंदर है उसको दबा देते हैं। ये नकारात्मक से हमें उसके अंदर की शिक्षा को विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए हमें, ये उन्होंने रूसों ने कहा है। इसीलिए पहले की जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी, यानी कि जो अध्यापक पढ़ाएगा वही बच्चा पढ़ेगा, जो किताबों में लिखा होगा वही बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अब नए इस समय नए नए शोध के बाद जो है, अब जो शिक्षा शास्त्री हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो दुनिया की अब ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित हो गई। इसका मतलब बालक को क्या पसंद है हम वो सिखाएंगे, अध्यापक को क्या पसंद है वो नहीं, बालक को क्या पसंद है। इसलिए अपने बच्चे की एक्टिविटी को देखिए, उसे क्या पसंद है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसे वो पसंद हो जो उसके लिए घातक हो, ठीक ना हो, है ना। तो वो तो हमें पता है ना कि उसके लिए क्या घातक है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसकी कुछ रुचि है अंदर की, उसे विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसे मार कर, डांट कर, धमका करके पढ़ाने की, समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो, उन्होंने बताया कि कोई भी जो बच्चा है वो जब कहानी पढ़ता है ना, तो उस कहानी को वो चित्र के माध्यम से देखना चाहता है। कहानी आप उसको सुनाइए, लेकिन अगर हो सके तो चित्र भी दिखा दीजिए उसका, या किताबों में दिखा दीजिए। ऐसा कर देंगे तो उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो इसके लिए उतावला होता है। और ध्यान रहे, वो उस समय असहाय होता है, उसके पास शक्ति नहीं होती कि वो आपसे युद्ध कर सके, लड़ सके। इसलिए जो उसको पसंद नहीं आएगा उसके लिए वो क्या करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी असहाय स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए। और यही वो चाहता है कि उसे प्रेम से समझाया जाए। छोटा बच्चा अपने घर के बड़े लोगों को देख करके नकल करता है, और जब वो हुबहू वैसा नहीं कर पाता है तो वो रोने लगता है ना, मतलब वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। वो देख करके वैसा करना चाहता है। किसी खिलौने को जब बोलेगा तो उस खिलौने के पूरे पुर्जे को वो निकाल देगा, निकाल करके रख देगा। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा करके उस वस्तु के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो दीवालों पे ऐसे ऐसे लिखेगा ऐसे, तो क्या करेंगे माँ बाप, पहुँचेंगे उसको थप्पड़ मार देंगे कि दीवाल गंदी कर रहा है, कॉपी में ऐसे करेगा। नहीं, यही तो लिखने की शुरुआत है, उसे थप्पड़ नहीं मारना है, उसे लिखने दीजिए, कॉपी दे दीजिए, उसमें चाहे जितना वो गंदा लिखे, चाहे जो उसमें करे, यहीं से उसकी शुरुआत है। आप उसको थप्पड़ मार के उसको मना कर दिए ना, तो फिर वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि हमने ऐसे किया था तो मुझे थप्पड़ मिली थी या डांट मिली थी, इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक नहीं है। तो उसके अंदर की प्रतिभा क्या हो गई, दब गई। तो उसके अंदर की प्रतिभा को निखरने का मौका दिया जाना चाहिए। और एक अंतिम बात, जो शैशवावस्था की मतलब 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें जो बच्चा होता है ना वो कल्पना में जीता है, कल्पना प्रधान होता है, वो बहुत कल्पनाएं करता है, वो वास्तविक संसार उसको कम अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति में आपको उसे परियों की कहानी नहीं सुनानी चाहिए, मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं सुनानी चाहिए जिस कहानी से
वास्तविकता से वो दूर चला जाए। इसीलिए मॉन्टेसरी पद्धति में, जो शिक्षा की एक पद्धति है मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को दूर रखा गया है। ऐसी कोई बकवास की कहानी, भूतों की, प्रेतों की, परियों की नहीं सुनाएंगे, जो वास्तविक जगत से दूर हो, कल्पना प्रधान हो। हम उसे वास्तविक कहानी सुनाएंगे, चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, और उसे जो भी सिखाएंगे खेल के माध्यम से सिखाएंगे, और कुछ कोई भी चीज़ उसके थोपेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो एकदम 0 से 6 यानी कि शैशवावस्था की अवस्था में है। उसके अंदर जितने भी गुण हैं उसे विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद की जो अवस्था आती है 6 से 12 वर्ष की, जो होती है बाल्यावस्था, उसमें बड़ा बदलाव आता है उसके सोच में, उसके विचार में। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था भी उसके बाद चेंज करनी चाहिए। फिर 12 के बाद 18 जो किशोरावस्था होती है वो बहुत महत्वपूर्ण, इसे तूफानों की समय कहते हैं, मतलब जीवन का, जीवन के तूफानों का एक समय होता है, बहुत बदलाव आता है, उस समय बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हमने शैशवावस्था में बच्चे को किस तरह से देखना चाहिए, बच्चे क्या क्या पसंद करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच के बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।